गाइस सो वी आर लीविंग, ठीक है अभी हम जा रहे हैं सैरी करने। हमारा प्लान तो ये था कि हम स्किन के वो अपने पैसों में रबड़ चढ़ाते ना, फिर वो ना वो तंग करता है कि ये रबड़ दो। तो गाइस ये हमारा खाना आ चुका है, ठीक है गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई अभी हम जा रहे हैं। अच्छा जो कल व्लॉग नहीं आया था ना, वो मैंने बताया था कि मतलब ऑब्वियसली वो बड़ी रात भी थी और सबको इबादत भी करनी। तो दूसरी बात ये कि मेरी मामा आई थी मेरी दीदी लेके, ठीक है, और मतलब इतने सारा सामान हो गया कि मतलब देखो ना तुम लोग बहुत सारा सामान हो गया कि ससुराल से ईदी आई फिर अम्मी की ईदी आई, तो इस वजह से ना थोड़ा तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि ना थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मेरा कुछ स्किन केयर भी रह गया था और मुर्तसम का भी ना सामान थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि हमने उसके मतलब देसी कपड़े तो खरीद लिए थे बस, लेकिन बॉय है तो उसको थोड़ा सा हर्ट भी दिखना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ना लाइक वेस्टर्न कपड़े रह गए थे। तो हम अभी उसका जीन्स शर्ट ऐसा कुछ देखेंगे, तो अभी चलते हैं। जब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो यार जल्दी से, और यार व्लॉग्स ना आने के लिए माजरत। ओके तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, अभी हमें ना कुछ सामान लेना है, ठीक है, अभी कुछ आप मुर्तसम का लेना है और ना अब्दुल का लेना है। अब लैन बोलेगी हम मुझे तो कुछ भी नहीं दिलाओगे, तो इससे ज़्यादा शॉपिंग लैन ने की है माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर चलते हैं अभी, वो कुछ से मेरी मैंने आपका किया बिगाड़े। तो भाई नदला हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी खाई है मैक्रोनी, क्योंकि हमने आने के बाद फ़ौरन कैमरा नहीं उठाया, हमने पहले खाना पीना किया एंड देन फिर हमने कैमरा उठाया। कसम से भाई इतनी मज़े की मैं कौन थी, ऐसी भूख लगी थी। एक दूसरे से बैड सीन ये हुआ कि हम लेके गए थे पैसे और हमने सोचा था कि यार हो जाएगा इतना, कोई मुर्तसम के थोड़े से कपड़े इतने महंगे थोड़ी आएंगे, क्योंकि मुर्तसम के हम कमीशन वाले ले चुके थे, बट उसका तो मैं पे जब तक लाइन वो काटती हूँ बताती हूँ। हम गए थे तो आई डिसाइडेड के जो है ना यार ठीक है 8,000 रुपये में आना जाना हो जाएगा, मुर्तसम के हमें बस एक दो ड्रेस लेने और बस ठीक है, हाँ कोई हैवी स्टफ नहीं है, बस करते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट है हमारे पास, उसने भी सामान लिया एंड लास्ट मोमेंट हमारे पास पैसे पड़ गए कम, बट अल्लाह का शुक्र हुआ कि कितना बजे बिल बना था हमारा 7,000 कुछ बिल बना, तो 7,400 वाला बिल बना, तो हमारे पास रक्षे के पैसे बच गए, वरना लग रहा था पैदल आना पड़ता घर। तो ये बॉटल्स लेकर आए, ये बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमारे घर की बॉटलें बड़ी घूम हो जाती है और क्यूट भी लग रही है ना, और वलिया तो फिर वलिया वलिया ने ये सीरम लिया, फिर वो उन्होंने कुछ सीरम्स दिए। आई बॉट सम स्किन केयर, मैं स्किन केयर की ना वीडियो भी आगे दिखाती हूँ, मेरा जो स्किन केयर के लोग इतना पूछ रहे हैं ना। सर मैंने थोड़ा सा सामान लिया, रिवॉर्ड दिस लिटिल क्यूट, ये दिखाई कितना क्यूट लग रहा है ना, वैसे ही मैंने आहत के लिए लिया, क्योंकि वो अपने पैसों में रबड़ चढ़ाते ना, फिर वो ना वो तंग करता है कि ये रबड़ दो फोन इस लुक से लगा के दिखा कैसी लग रही है। आई डोंट नो कि अच्छा कलर भी लगेगा या नहीं, तुझे क्या लगता है लगेगा? मैंने एक नया सीरम लिया है एंड आई विल ट्राई टुडे, वरना मेरा स्किन केयर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो मैं शेयर करूँगी भी आगे तुम लोग को दिखाती हूँ। बाकी दिस इज़ आई बॉट, अब देखो वो कैसा होगा अभी मूव धोने के बाद लगा के चेक करते हैं। खैर लेट मी शो यू मुर्तसम के कपड़े, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव ब्रो, मेरे साथ ज़्यादा महंगे मुर्तसम जो है आपकी ये कम कर देगा, पता नहीं कितना है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस, आई डोंट नो ठीक लगा रही हूँ या नहीं, डज इट लुक गुड? डोंट टेल मी यार बहुत बुरी लग रही है,
मैं बिना देखे लिपस्टिक लगा सकती हूँ, ये है मेरा टैलेंट, ये ही मेरा कंटेनर। ओके गाइस, तो ये क्यों फेक क्यों आ रही है? नो, वो फेक चीजें नहीं बेचते। और अगर ये फेक हुआ, इनके पीछे इनका QR कोड है, वो स्कैन कर लो। और अगर ये फेक हुआ, स्लिप तो है मेरे पास। Well, let me just show you मुस्तफ़ा के कपड़े। This is his T-shirt. And the cute romper. लिप केयर वालों से लिया हुआ है इन लोगों ने। तो क्यूट है। उसकी दूसरी टी शर्ट एंड ऑल्सो आज मेरी मामा आई थी ईदी लेके, इसलिए मैंने कल मेरी मामा आई थी ईदी लेके, तो इसलिए मैंने कल लॉक नहीं डाला था गाइस, सॉरी। एंड इफ यू वांट टू सी माय दोनों साइड की ईदी तो जस्ट। और ये हमने मुर्तसिम का एक और ड्रेस दिया है, कितने वगैरह थे उन्होंने इसका वो निकाल लिया हैंगर। मुर्तसिम के पिछले ड्रेसेस में उन्होंने हैंगर्स दिए थे। And also, सबसे ज्यादा महंगे ना हमको ये पड़े, ये छोटे छोटे चते। इस औरत ने ये इतने महंगे चड्डे ले लिए। मैं तो चड्डे बोलूंगी, क्या कर लोगी तुम? एंड हमने ये सामान लिया, इससे दो ड्रेसेस अंदर और है। बेचारे इसके अब्बू ने तो कुछ भी नहीं लिया है, तक यूट्यूब इसका अब्बू है, उसे कुछ भी नहीं लिया है। वो कहता है मुझे, मैं आपका ड्रेस जो होता है ना उसको इतनी अहमियत दूंगा कि मैं तीनों दिन वही पहनूंगा। आई एम थिंकिंग टू बाय लाइक जीन शर्ट फॉर हिम, बट अगेन जस्ट लेट्स सी क्या होता है गाइस। सो वी आर लीविंग, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सैरी करने। हमारा प्लान तो ये था कि हम स्किन केयर दिखाएंगे, बट अभी हमारे पास आज की कॉल आई कि हम जा रहे हैं बाहर सैरी करने। तो आहत पहुंच चुका है और अभी हमें यहाँ से जाना है, तो अभी हम गाड़ी हम अपनी राइड बुक करेंगे और फिर हम जाएंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं गाइस। हम लोग ना आ गए, बट ना हुआ ऐसा है कि अभी ये ना आहत का बैग, ये ना मेरा बैग और ये ना हमारा घर का कचरा। तो ना अभी ऐसा हुआ है कि मुर्तसिम के अब्बू जो है ना मुर्तसिम को लेकर, क्योंकि वो रो रहा था ना, तो मैंने बोला मैं उसको उठ के ना सुला देती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि नहीं तुम मत सुलाओ, मैं खुद सुलाऊंगा। तो अभी उसको सुलाने गया, इतना क्यूटू है ना वो, अभी वो नहीं है ना, मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ, नहीं बातें सुन लेता तो फिर फ्री हो जाता है। तो अभी आ जाए फिर हम देखते हैं। खैर अभी इतना सामान तो आ चुका है, ठीक है ना। एंड हमने उनसे पूछा था कि दूसरी पानी की बॉटल तो दे से एड नो, तो अब सब नहीं आएंगे कब ऑर्डर प्लेस हो चुका है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। बट दे उन्होंने हमें ये बॉटल दे दी और राहत को पता नहीं था कब तो हमें ये पानी पीना पड़ेगा। खैर वैसे मैं अपनी बॉटल साथ लाई हूँ, स्मार्ट करूँ। एंड ऑल्सो आज मैंने नया बैग लिया जिसका मुझे बहुत दुख है गाइस। ये गंदा दिखने वाला बैग जो है ना, इस औरत ने मुझे 5,000 रुपये का दिलाया है, मुझे 5,000 रुपये ख़राब करे। देखो भी मुर्तसिम के पापा का मोबाइल वो आने वाले, लेट्स सी देखते हैं। तो गाइस ये हमारा खाना आ चुका है, ठीक है। तेरी बोलो, तुमने हाय भी नहीं करा, हाय करो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। शर्म तो नहीं आ रही? तो ये हमारा 2 फुट का आदमी, इसको वही नहीं सोता कहीं जाके, बच्चे हर जगहों पे जाके सो जाते, तेरे बेटे की और आंखें चार हो जाती हैं। बिल्कुल बाप पे किया है। खैर हम खाना शुरू करते हैं। मजे का हो, मजे मजे का है ना? इनके वहाँ की रोटी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है।
गाइस तो फाइनली हम लोग घर आ गए थे, बट जो ये मेरी अगवानी छोटी बोटी है इसने हमें वहाँ पे, ये देखो बोल भी रहे, हाँ हाँ पता है उनको कि तुम भी हो मेरे साथ। लिटरली इस छोटी अगवानी बोटी ने अपने बाप का और मेरा खाना बर्बाद कर दिया। इसके बाबा ने बेचारे ने इतना मुश्किल से सहरी करा और मैंने तो करी नहीं। हमको लगा था ये सो जाएगा, अभी ये रास्ते में गाड़ी में सो गया था और हम इसको अभी जैसे ऊपर ले गए ये फिर से उठ गया। अभी पता नहीं अपनी ज़बान में क्या क्या बोल जा रहा है। इवन तो मेरा वो जो चाय थी मैंने वो चाय से पैक करवाई कि मैं रास्ते में पीलूँगी, रास्ते में भी ये यूं। जब वो आहत ने चाय एक अंकल को दे दी कि अंकल आप पी लें, तो ये सो गया। आपने मम्मा खाए पिए नहीं? अभी पता नहीं क्या कुछ कह रहा है। ठीक हो तुम? तो गाइस इसी के साथ हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और इतने दिनों बाद व्लॉग डाल के बना के बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह अब से पूरी कोशिश रहेगी कि रोज़ व्लॉग आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप तुम लोगों को भी व्लॉग पसंद आया होगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मुझे मिस करते हो या नहीं कर रहे हो आजकल? 3 दिन हुए बस, इतने भी दिन में इतना ऐसा क्यों रिया करूँ कि मैं सालों बाद व्लॉग डालूँ? पर लिटरली भाई बहुत बुरा लग रहा था, मतलब यार 3 दिन बाद व्लॉग डाला है बहुत ऑफ लग रहा था, और ऊपर से आया हाउस माई जूड़ा। मैं ऑफकोर्स मैं अपना स्किन केयर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बताओ स्किन केयर के साथ मेरे घर से भी मेरी ईदी आई है, एंड लाइक मेरे ससुराल से भी मेरी ईदी आई है, और जो है ना आहत तो है ही मतलब। और बस अभी हम लोग इंशाल्लाह मैं छोटे आदमी को सुनाने की कोशिश करूँ। ऑलमोस्ट सुबह के 6 बजने वाले हैं, ये मेरा छोटा आदमी 2 फिट का आदमी नहीं सो रहा है। इस 2 फिट के आदमी ने 6 फिट के अपने बाप को और 4-5 फिट की अपनी माँ को पागल कर दिया। छोटा इतना क्यूट था, सोता रहता था, अभी भी प्यार है माशाल्लाह। अल्लाह पाक जिनके घर औलाद नहीं है उनको औलाद दे आमीन। बड़ी प्यारी चीज़ है यार औलाद, अल्लाह की कसम बड़ी प्यारी चीज़ है। पहले मैं आज उसी जगह जहाँ मैं रेस्टोरेंट गई थी, पहले मैं वहाँ जाती थी ना तो वहाँ पे किसी के बच्चे रो रहे थे, तो मैं उसको दी यार चुप करवाओ इस बच्चे को, और आज मेरा बच्चा रो रहा था ऐ करके, तो ऑफ लग रहा था कि यार बुरा लग रहा था ब्रो, बुरा लग रहा था। तो अगवानी बोटी सुला दूँ तुम्हें? गई हम अपनी अगवानी बोटी को सुलाने की कोशिश करते, बस बोलते बिठा के रखो मुझे। हाँ तू बैठ जा, तू बैठ जा प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना आपको बहुत सारे यार अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह।